One question I am repeating. This is of Saturday. You were given x to the power a is equal to y. Chalks or hai? You are given x to the power a is equal to y. Y to the power b is equal to z. Third hai? Z raised to power c is equal to x. हमने क्या किया यहाँ पे सबसे जो पहले वाली लास्ट वाली टर्म है वहां से शुरू किया. वी आर गिवन z टू द पावर c इज इक्वल टू x. अब z किसके इक्वल गिवन है? y टू द पावर b के. तो मैंने क्या किया, इस z को रिप्लेस कर दिया y रेज टू पावर b से. क्लियर? अब y रेज टू पावर b रेज टू पावर c इज y रेज टू पावर b c. तो मैंने इसको लिख लिया y रेज टू पावर b c. Now again, y जो है that is equal to x raised to power a. तो y को मैंने replace कर दिया x raised to power a से. Now again, x raised to power a raised to power b c. This is x raised to power a b c. अब देखो दोनों terms आपको equal given है, bases equal given है, तो it means powers will also be equal. यहाँ पे x के ऊपर कोई power नहीं है, means this is one. तो a b c is equal to one. Got it? Now some more questions of this we will do. X is equal to 7 minus 4 root 3. You are given. If X is equal to 7 minus 4 root 3. फिर बोलने की आवाज आ रही है बीच में. 7 minus 4 root 3. Then you are to find the value of root x plus 1 by root x. This value you are to find. Double root mein aa jayega wo agar aap aise karoge. Pehle 1 by x ki value nikal lo, kya aayegi? यहां मैंने एक गलती की है, क्या? डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय, बीच में प्लस का साइन आएगा. क्या वैल्यू आएगी सिंपलीफाई करके बताइए. हाँ जी, 7 स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 स्क्वायर. 4 रूट 3 स्क्वायर मींस 4 का स्क्वायर 16, रूट 3 स्क्वायर इज 3, तो 16 3 आर 48, तो डिनोमिनेटर में आपका 1 आ गया. 49 माइनस 48, सो दिस इज 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 7 प्लस 4 रूट 3. ये आ गया मेरे पास, ये आ गया. अब जब आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जहां पे रूट में आपको वैल्यू निकालनी है, तो व्हाट वी विल डू, हम क्या करेंगे, रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स का स्क्वायर ले लेंगे. क्या फॉर्मूला बनेगा इसका? रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स इंटू 1 बाय रूट एक्स. ये कैंसिल आउट हो गया. ये किसके इक्वल आया? एक्स के. मेरे पास है इसकी वैल्यू. ये किसके इक्वल आया? 1 बाय एक्स के. इसकी वैल्यू भी है. दिस इज अ कॉन्स्टेंट. ठीक है, अब ये मैं सिंप्लीफाई कर लूंगी वैल्यूज पुट करके. मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है? रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स की. और मेरे पास वैल्यू किसकी आएगी? उसके स्क्वायर की. तो क्या करेंगे, ये वैल्यू निकालने के लिए स्क्वायर रूट ले लोगे. जो यहाँ आंसर आएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स करोगे तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी. ये वैल्यूज पुट करके आंसर बताओ मुझे क्या आ रहा है. कहाँ पे स्क्वायर इसलिए लिया क्योंकि मुझे रूट एक्स निकालने और x गिवन है. दिस इज पावर 1 बाय 2. अगर उसका मैं स्क्वायर करती हूँ तो ये वैल्यू मुझे गिवन है. ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे स्क्वायर ले. हाँ जी, x की वैल्यू 7 माइनस 4 रूट 3, 1 बाय x की वैल्यू 7 प्लस 4 रूट 3 प्लस
2, माइनस एंड प्लस विल गेट कैंसल्ड, दिस इज 16, और मुझे रूट की वैल्यू निकालनी है, रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स की, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्योंकि ये वाला स्क्वायर मैंने खुद से लिया था, ये मुझे नहीं चाहिए, तो रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स इज इक्वल टू 4, क्लियर, रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स इज इक्वल टू 4. क्लियर, नेक्स्ट लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट 5 माइनस 2 रूट 6, पूरे के ऊपर रूट है, 5 माइनस 2 रूट 6 पर पूरे पे रूट है, 5 माइनस 2 रूट 6, एंड रूट में अगेन प्लस के साथ 3 प्लस 2 रूट 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. हां जी, क्या करें? इनका होल स्क्वायर लें, देन, क्योंकि अगर मैं होल स्क्वायर भी लेती हूँ, नो डाउट ये मेरे पास विदाउट रूट आ जाएगा, ये भी मेरे पास विदाउट रूट आ जाएगा, बट साथ में प्लस 2 रूट ए बी आएगा, और अगर मैं इनका होल स्क्वायर करती हूँ तो मैंने वैल्यू अपने पास से चेंज कर दी, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास इधर कुछ नहीं है कि मैं बाद में उसका स्क्वायर रूट ले रही, तो अब इट मीन्स हम जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था इसको उस वे में नहीं कर सकते. अब इस चीज को ध्यान से देखो, ठीक है, 5 माइनस 2 रूट 6, कैन दिस बी रिटन एज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ समथिंग? 5 माइनस 2 रूट 6 को क्या मैं किसी स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकती हूँ? 5 की स्प्लिटिंग करें अगर तो 3 एंड 2, और उनका जो प्रोडक्ट है दैट इज 6, यहाँ पे अगर मैं 2 ए बी लगाऊ, इट मीन्स मैंने क्या किया, पहले 5 को स्प्लिट कर लिया 3 प्लस 2 में, ये वाला माइनस 2 रूट 6 एज इट इज, ये स्टेप क्लियर है, ठीक है. उसके बाद मैंने क्या किया, 3 को लिख लिया रूट 3 का स्क्वायर, 2 को लिख लिया रूट 2 का स्क्वायर. अब ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी माइनस 2 ए बी, यानी कि ए माइनस बी होल स्क्वायर अंडर द रूट. समझ आया क्यू स्क्वायर, मतलब इसको मैंने उस फॉर्म में लिखा है. अब आपका जो रूट है और जो स्क्वायर है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरे पास एक सिंपल सी टर्म बन जाएगी. व्हाट दिस, नेक्स्ट ट्राई करो इसी तरीके से. 3 प्लस 2 रूट 2, अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट है रूट के नीचे, ये 2 ए बी वाली फॉर्म बन रही है ना, तो इट मीन्स प्रोडक्ट शुड बी 2 और सम शुड बी 3. हाँ, 3 को क्या स्प्लिट करोगे, 1 प्लस 2, 2 प्लस 1, कुछ भी लिख सकते हो. नाउ दिस कैन बी रिटन एज रूट 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 रूट 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, सो दिस इज ए प्लस बी होल स्क्वायर. अब ये होल का स्क्वायर और रूट आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, आई एम लेफ्ट विद रूट 3 माइनस रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस 1. अगेन दिस विल गेट कैंसल्ड, सो वी आर लेफ्ट विद 3 रूट प्लस 1. सो इससे फर्दर ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो यू विल लीव योर आंसर अप टू दिस पॉइंट ओनली. हाँ जी, बच्चे 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है ना, 1 का रूट भी 1 होता है, आपकी मर्जी है, लगाना चाहो तो लगा भी दोगे, गलत नहीं होगा, ठीक है.
अगेन नेक्स्ट कर दूं ये इरेज, समझ आ गया, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, अब हमारे पास इवेल्युएट है अगेन 10 अपॉन, अब जितनी भी वैल्यूज मैं बोलूंगी सारी डिनोमिनेटर में लिखनी है 10 के बाद, रूट 10 प्लस रूट 20, दिस इज 15 अपॉन रूट 10 प्लस रूट 20 प्लस रूट 40 माइनस रूट 5 माइनस रूट 80 एंड यू आर गिवन द वैल्यू ऑफ रूट 5 एज 2.236 एंड रूट 10 एज 3.162। अब देखो रूट में जो वैल्यूज गिवन है, हाँ जी बिल्कुल, वो वैल्यूज हमने डायरेक्ट नहीं पुट करनी, पहले इसको जितना हम मैक्सिमम सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम करेंगे। रूट 10 गिवन है, रूट 5 गिवन है, बाकी 20, 40, 80 को क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से 5 रूट या रूट 10 की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्या आएगा 15 अपॉन, अलग अलग लिख देते हैं। चलो पहले रूट 10 को क्या लिख सकते हैं, रूट 10 गिवन है वो नहीं हम लेंगे, रूट 20 5 into 4, सो दिस इज 2 root 5, रूट 5 की वैल्यू है मेरे पास। नेक्स्ट रूट 40 5 into 8 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 10 की वैल्यू है ना मेरे पास रूट में, तो दिस कैन बी रिटन एज 10 root 4, सो 2 root 10। नेक्स्ट 80, 10 into 8 में अगेन 8 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 16 into 5, या 5 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है या 10 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन करते हुए ध्यान रखना है। जैसे अगर आप कह रहे हो कि 10 into 8 लिखेंगे तो रूट 10 की वैल्यू है मेरे पास, बट 8 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर रूट 8 को मैं लिखूं भी तो ये क्या बनेगा 4 into 2, और ये आ गया 2 root 2, अगेन रूट 2 की वैल्यू मेरे पास नहीं है, तो इसको आपने या 5 into लिखना है या 10 into लिखना, गॉट इट, दूसरा नंबर ऑटोमेटिकली वो आपका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप, क्या आ जाएगा, 15 upon root 10 प्लस 2 root 5 प्लस 2 root 10 माइनस रूट 5 माइनस 4 root 5। फर्दर सिंप्लीफाई करो कितना आएगा, ये रूट 10 वाली दो टर्म्स हैं, 3 root 10 आ गया ये, और 2 root 5 माइनस रूट 5 इज प्लस 2, हाँ टोटल ओवरऑल सिंप्लीफाई करके दिस विल बी माइनस 3 root 5। ठीक है, क्लियर है ये स्टेप, रूट के नीचे जब आपकी सेम टर्म्स होती हैं वो लाइक टर्म्स बन जाती हैं एंड देन यू कैन सिंप्लीफाई। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, 3 कॉमन ले लूं मैं, रूट 10 माइनस रूट 5, अभी भी जब वो डिनोमिनेटर में है तो डेसिमल वाले से डिवाइड में कैलकुलेशंस क्या हो जाएंगी, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, सो अगेन वी आर टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। एक तो ये कट गया 3 5, तो मेरे पास क्या रह गया 5 upon root 10 माइनस रूट 5, तो मैंने क्या किया डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, सो दिस इज 5 into root 10 प्लस रूट 5 अपॉन में रूट 10 स्क्वायर इज 10, 5 स्क्वायर इज 5, 10 माइनस 5 इज 5, ये कैंसिल आउट हो गया, रूट 10 प्लस रूट 5 दोनों को ऐड कर दो, यू विल गेट योर आंसर। सो दिस इज 5.398। इफ देयर इज एनी डाउट इन एनी स्टेप यू कैन आस्क। क्लियर, चलो अब ये आप मुझे करके दिखाओगे, एक्स इज इक्वल टू 3 plus 2 root 2, एक्स इज इक्वल टू 3 plus 2 root 2, ये हो गया नोट डाउन कर दो,
फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट एक्स माइनस वन बाय रूट एक्स. पहले हमने प्लस वाला किया था, ये माइनस वाला है. डू इट योर सेल्फ. इसके बाद एक सम और, अभी किया है वैसा सम भी हमने. I'm giving you 2 minutes for the first question. Do be quick. Do it quickly. You are given the value of x as 3 plus 2 root 2. You are to find the value of root x minus 1 by root x. Online students also, do it yourself. Root x minus 1 by x root. What is this equal to? मैं सीधा लिख रही हूँ, x plus 1 by x minus 2. ठीक है, अब x है आपके पास, 1 by x है आपके पास, minus 2 constant है, put करके कितना आ गया? This is 3 plus 2 root 2, this is 3 minus 2 root 2 minus 2. Plus and minus will get cancelled. 3 plus 3 6 minus 2 is 4. होल स्क्वायर. तो जब आप स्क्वायर हटाओगे तो क्या आंसर आएगा? दैट विल बी इक्वल टू 2. सो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था. नाउ यू आर टू स्टार्ट विद द सेकंड क्वेश्चन. दोज हु हैव डन द फर्स्ट, स्टार्ट द सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन अभी मैंने ये टाइप भी करवाई थी, ये वाला तो सेम, वही फर्स्ट टर्म सेम है. इसको आपने कन्वर्ट करना. सम शुड बी 8, प्रोडक्ट रूट 15, मतलब 15, हाँ 5 and 3. बी क्विक वत्सल, डू योर क्वेश्चन. फर्स्ट इरेज कर दूं, हो गया ही. नो वाला कौन है बीच में? डू इट फास्ट. डन. सेकंड क्वेश्चन की फर्स्ट टर्म सम शुड बी 5 and product 6. So इसको rewrite कर लेंगे आप. 5 sum चाहिए, product 6 क्या आएगा? 3 and 2. So this is 3 plus 2 plus 2 root 6. और यहाँ पे sum should be 8, product 15. यहाँ पे क्योंकि ये 2ab वाली form बनेगी तो इसलिए मैं 2 को count नहीं कर रही. ठीक है, तो 5 plus 3. अब इसको रीराइट करो. 3 कैन बी रिटन एज रूट 3 स्क्वायर एंड 2 कैन बी रूट 2 स्क्वायर. यस, दिस इज ए प्लस बी होल स्क्वायर. सेकेंड टर्म कंप्लीट करेंगे. दिस कैन बी रिटन एज रूट 5 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी. 5 threes are 15. सो अगेन दिस विल बी रिटन एज, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. सो रूट 5 माइनस रूट 3 का स्क्वायर. अब स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो जाएगा. सो यू आर लेफ्ट विद रूट 3 प्लस रूट 2 प्लस रूट 5 माइनस रूट 3. रूट 3 कैंसिल आउट हो जाएगा. यू आर लेफ्ट विद
root 2 plus root 5. So this is your answer. Got it? So tomorrow you will be having the test of this chapter. इसमें जो आपके हाँ जी ओके टुडे यू आर हैविंग रूट वाले जो आपके डेसिमल्स में हैं दैट इज द डिलीटेड पार्ट. यू नीड नॉट डू दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस. रेस्ट ऑल द टाइप्स वी हैव डिस्कस इन द क्लास. कोई किसी को डाउट है इस चैप्टर में तो यू कैन आस्क. किस तरह के दिस काइंड ऑफ डू दिस जैसे अभी किया है दैट सेम काइंड. सम हमें चाहिए 7 और प्रोडक्ट अभी यहां ध्यान देना 4√3 है तो प्रोडक्ट मुझे क्या चाहिए 2ab वाली फॉर्म होती है तो 4√3 को हम क्या लिख सकते हैं 2a 2ab वाला 2 है इंटू 2√3 तो प्रोडक्ट चाहिए 2√3 और सम चाहिए 2. 5 + 2 4 जाएगा ना रूट के अंदर से रूट 12 बनेगा वो. अब मैंने यहां गलती की है क्या 2 के ऊपर रूट नहीं आए. सेम वे में अब इधर कर लो. क्या पूछ रहे थे बच्चे आप 5 + 2 अगर आप 7 करते हो ना बच्चे उसमें देखो क्या आएगा. आप कह रहे हो कि हमने ये लिख लिया ठीक है. इसको आप क्या लिखोगे रूट 5 का स्क्वायर. इसको क्या लिखोगे रूट 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है मेरे पास 4√3. जब आप इसमें ट्वाइस ऑफ ए बी लगाओगे तो ये रूट 10 बन जाएगा जो इसके इक्वल नहीं है ठीक है. हमें जो नंबर्स मतलब जो स्प्लिटिंग करनी है वो इस तरीके से हो कि ये वाला रूट फॉर्म बने. तभी मैंने आपको यहाँ क्या बताया था 4√3 है. इसको 2ab से कंपेयर करोगे जब आप तो ab की वैल्यू कितनी आ गई 2√3 यानी कि जो आप दो नंबर्स ले रहे हो उनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 2√3. गॉट इट. डाउट है कोई. हाँ जी कितना आया है. ओके यहाँ पे √3 - 2² बन जाएगा. अभी भी किसी को कोई डाउट है तो बेटे पूछ लो. So 2√3 is your answer. कुछ नहीं कुछ ऐसा एक और दे रही हूं पहले ये कर लो. +4√7 + 11 - 4√7. अब जो प्रोडक्ट है दैट शुड बी
7 plus 4. It means now you have got the concept. बाकी जो इस तरह के क्वेश्चंस थे कि फाइंड दिस मच ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल्स या बिटवीन टू इरेशनल्स, वो आप कर लोगे. इरेशनल्स में जब आपको निकालने आते हैं तो कन्वर्ट देम टू द डेसिमल एंड देन उनके बीच में आप कोई भी पॉइंट्स लिख सकते हैं. Is it done? Yes. एक और है, अलग सा क्वेश्चन है, एक बार उसको भी डिस्कस कर लेते हैं. If y is equal to root 3 plus 1 by 2, ये कर दो इरेज. इसके आपके फैक्टर्स क्या बने? 7 एंड 4, 7 प्लस 4, फिर उसको आप सिंप्लीफाई कर लेना. 2 root 7? Yes, 2 root 7 will be your answer. अब नेक्स्ट गिवन है y इज इक्वल टू रूट 3 प्लस 1 बाय 2. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4y क्यूब प्लस 2y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 10. 4y क्यूब, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4y क्यूब प्लस 2y स्क्वायर माइनस 8y माइनस प्लस 10. इसको क्या? ओके, पहले दो टर्म्स में से ले रहे हो, यही कह रहे हो ना? हाँ, क्या आ गया? 2y स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया तो 2y प्लस 1 आ गया. यहाँ से आपने क्या कॉमन लिया? 2 लिया. ओके, अब नहीं आए ना, मैं भी तो वही कह रही हूँ. अब समटाइम्स क्या होता है कि ऐसे लेके आपका आ जाता है, कॉमन ले लेते हो आप आगे उसको पुट करके फिर वाई की वैल्यू पुट कर देते हो, बट अब ये चीज नहीं आई तो क्या करना है? हम क्या करेंगे? हाँ जी, हाँ, वाई को ओके क्या आएगी? वाई की वैल्यू हमें गिवन है, हमें गिवन है y इज इक्वल टू रूट 3 प्लस 1 बाई 2 और वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है 4y क्यूब प्लस 2y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 10 की. हाँ जी, डिफरेंट कैसे? कैसे, वही तो पूछ रही हूँ. ऐसे ले लो 4y क्यूब माइनस 8y और इधर से 2y स्क्वायर प्लस 10. अब यहाँ से 4y कॉमन आ गया, क्या बनाइए? यहाँ से अभी भी कॉमन है, फिर क्या करोगे? रैशनलाइज किसको? हाँ जी, हाँ, 2 ऊपर ले जाओगे, बिल्कुल ठीक है. यहाँ से ये क्या आ गया? 2y इज इक्वल टू रूट 3 प्लस 1, 2y माइनस 1 इज इक्वल टू रूट 3. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? 4y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4y इज इक्वल टू 3, रूट गायब हो गया, यानी कि 4y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2 इज इक्वल टू 0. अब आपने क्या करना है? इससे इसको डिवाइड करो, जो आपका रिमाइंडर आएगा दैट विल बी योर आंसर. टुमारो वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन अगेन. ठीक है, क्योंकि ये अलग टाइप का है तो
So we will discuss this tomorrow. Okay, thank you. Have a nice day. Anji.